कहां से आते हैं ये? फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगा? दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से एक बार सभी का स्वागत है हमारे क्रिकेट स्क्राइब में। आज का मुकाबला ऐसा रहा जिसमें बहुत सारे तड़के देखने को मिले, जिसमें रिंकू सिंह का तड़का तो गुजरात टाइटन को बहुत दिन याद रहने वाला है। तो क्या तकलीफ है भाई? और बॉलर की बात कर रहे हैं तो दयाल जी को आज नींद भी नहीं आने वाली है। यह मुकाबला गुजरात टाइटन और कोलकाता के बीच खेला गया। गुजरात ने पहले टॉस जीतकर और बैटिंग चुन लिया और ओपन करने आ गए शाहजी और गिली जी। फिर क्या था, रियलाइज शुरू कर दी दोनों ने मिलकर केकेआर के बॉलरों की, लेकिन फिर नारायण जी आ गए और शाहजी को उड़ाकर ले गए 17 रन पर ही। फिर गिल को भी ले गए 39 रन पर ही। केकेआर की रेलाई अब शुरू हुई जब मैदान पर आ गए सुदर्शन जी अपना चक्र लेकर और शंकर जी अपने डमरू लेकर केकेआर को धोना शुरू कर दिया। गजब बेइज्जती। जहां ये लग रहा था कि ये स्कोर 150 या 160 पर ही रुक जाएगी, देखो अब मैं क्या करता हूं। उस स्कोर को विजय शंकर ने 24 गेंदों पर ही 63 रन बनाकर 204 रनों का पहाड़ स्कोर खड़ा कर दिया। अब बारी केकेआर की थी रिलाई करने की, लेकिन केकेआर के बल्लेबाज जब मैदान पर आए गुरबाज और जगदीशन जो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, लेकिन केकेआर की नैया डुबाकर चलते बने। फिर क्या था, किसी न किसी को तो मोर्चा संभालना ही था और संभाला किसने, जिसे टीम में कोई इज्जत नहीं दे रहा था, वेंकटेश अय्यर। इन्होंने और राणा जी ने इतना पेला कि पास खड़े नेहरा जी तो टेंशन में ही आ गए। समझ रहे हो? वेंकटेश अय्यर ने 83 रन और राणा जी ने 45 रन बना दिए और टीम को बीच मझधार में छोड़कर चलते बने। फिर क्या था, एक पहलवान का सब इंतजार कर रहे थे कि रसल आएंगे और मसल कर चलते जाएंगे। उन्होंने तो नहीं मसला पर खुद जरूर मसले गए, वो तो गए ही, साथ ही ठाकुर जी नारायण जी को भी लेते गए और ये काम तो बस खान जी ही कर सकते हैं। राशिद खान ने हैट्रिक विकेट लेकर पूरे केकेआर को टेंशन में डाल दिया। फिर क्या था, खान जी को तो खुश होना ही था हैट्रिक विकेट लेकर। खान जी को लगा कि अब तो जीत गए भाई, जान बच गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि भी वहाँ तो हमारे सिंह जी मौजूद हैं, भैया रिंकू सिंह। जब आखिरी 6 गेंदों में चाहिए थे 29 रन, सबको लगा ये मैच तो गयो रे बाबा, लेकिन सिंह जी ने कहा रुको भाई, मैं अभी मैदान पर ही, बॉलिंग पर आ गए दयाल जी। रिंकू जी ने कहा शुरू करो ये पेलाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। और लास्ट ओवर में लगातार 5-6 लगा दिए, जिससे केकेआर यह मुकाबला अपने साथ जीत कर ले गए और दयाल जी का तो राम जाने। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक चैनल में सब्सक्राइब जरूर बढ़ाएं।